देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के बेहतर असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबर उद्धम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां महिला राज्य आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए पुलिस प्रशासन के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई हैं वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समाज के हर वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने मदरसे में मौलवी द्वारा छोटी बच्चों के साथ किए गए कृत्य की निंदा करते हुए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब मदरसे जैसी जगहों पर बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सबको जागरूक होना होगा। मदरसे में जो छोटी छोटी हमारी बच्चियां थी, उनके साथ किस तरह से किस तरह की एक्टिविटीज होती थी, किस तरह का कृत्य वो करते थे, तो ये चीजें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व, वो किसी भी समाज के हों, वो सहन करने लायक नहीं। उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए खुद आयोग आगे आके बढ़ चढ़ता है इसमें, कि जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जो भी जितनी भी धाराएं हैं उन पर उन धाराओं को लगाना, कि उनकी हिम्मत उसे देख के दूसरे लोग भी सबक लें कि अगर हम गलत करेंगे या किसी बच्ची के साथ हम गलत निगाह से देखेंगे तो हम। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण को लेकर भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने दोबारा से सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है, जिसमें 10 दिन के भीतर सभी दुकानदारों को अपना सामान खाली कर दुकानों को तोड़ने के लिए कहा गया है। पूर्व में दुकान मालिकों को 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 10 दिन का समय और दिया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक अगर 10 दिनों के भीतर स्वयं दुकान मालिकों ने अपनी दुकान खाली कर ध्वस्त नहीं की तो 4 सितंबर से प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने का अभियान शुरू कर देगा। मिनिमम 10 दिन का समय दिए जाने के लिए निर्देश दिए हैं पीडब्ल्यूडी और म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो उसके हिसाब से हम लोग एक रिवाइज्ड नोटिस निकलवा रहे हैं। 10 दिन के बाद हम लोग इसको जो भी ऑनरेबल। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत सहित उधम सिंह नगर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी जहां एक और सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों में ही कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस दिन राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्यता दिलाएंगे, उसी दिन से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरू होगी। देखिये, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के संदर्भ में कार्यशाला हमारे समाप्ति की ओर, प्रदेश कार्यशाला के बाद जिलों के अंदर कार्यशालाएं हुई, मंडलीय कार्यशाला हमारी संपन्न हो चुकी है और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को सदस्य बनाएंगे, उस दिन से ही हमारी सदस्यता का जो विधिवत जो कार्यक्रम है प्रारंभ हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार से ज्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। हमारे जो 2 चरणों की सदस्यता हुई थी उसको भी हम पहले चरण में करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी जगह विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। वहीं चौखटिया के अग्नेरी मंदिर परिसर में मंदिर समिति की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। जब बच्चे मंच पर थिरकते नजर आए, इस दौरान लोग अपने बच्चों को श्री कृष्ण के रूप में लेकर आए, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में हरीश मैनाली, संजय मंडराल सहित कई लोगों ने सहयोग किया। कार्यक्रम में सुंदर अभिनय करने पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।
उत्तराखंड में बारिश के मौसम के चलते लैंडस्लाइड और भूधसाव हो रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर फिर से भूधसाव हुआ, जहां अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धस गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह बड़ा हिस्सा धस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफी समय तक यातायात डायवर्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरों के काफी पुराने के कारण लगातार धसाव हो रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने भी इसे लेकर कहा कि सिंचाई विभाग ने धसाव को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार हर वर्ग के विकास और उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे महिला स्व सहायता समूह और क्लस्टर भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके चलते इनसे जुड़ी कई महिलाएं 1,00,000 रुपए सालाना आय प्राप्त कर रही है। और वहीं दूसरी ओर कई क्लस्टर 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने आस्था क्लस्टर की सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के सहयोग से महिला स्व सहायता समूह और क्लस्टर के साथ ही अन्य ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से एक सहसपुर विकास खंड का आस्था स्वायत्त सहकारिता क्लस्टर भी एक है। राजधानी देहरादून में चल रही कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा फिर से जल्द शुरू होगी। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे ही केदारनाथ धाम यात्रा का पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगा, वैसे ही कांग्रेस फिर से अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत वहीं से शुरू करेगी, जहां से यात्रा स्थगित की गई थी। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा, सरकार के समर्थकों के द्वारा केदार धाम का जो प्रतिरूप गौराड़ी में बनाने का काम शुरू हुआ था, इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे, केदारनाथ जी से शिला ले गए थे। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी कि केदारनाथ जी का पुण्य आपको यही मिल जाएगा, केदारनाथ जी जो नहीं जा पाएंगे वो यहाँ आ जाए, केदारनाथ जी का पुण्य यही मिलेगा। उसके बाद ये भी घोषणा हुई उनके समक्ष कि चारों धामों के प्रतिरूप यहाँ बनेंगे, उसका विरोध पूरे राज्य में हुआ। कांग्रेस में जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उत्तराखंड के धामों की प्रतिष्ठा के लिए केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू करी, और उस रक्षा यात्रा का रिजल्ट आप देख रहे हैं, सरकार को बैकफुट। उत्तराखंड के चंपावत में मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं, जिनमें से 5 घायलों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाल प्रताप सिंह नेगी अस्पताल पहुंचकर घायलों का उन्होंने हालचाल जाना, और उन्होंने दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग होना बताया है।
इसमें अभी हमारे पास 12 लोग पहुंचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला और ज्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सब स्थिति सामान्य है। और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बता। जी, जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि गुरुकुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है, तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष में जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं, 12 लोगों का उपचार चल रहा है। दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जाएगी कि दुर्घटना कैसे हुई। उत्तराखंड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में कोटद्वार के गीता भवन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया और शाम तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत मंदिर पहुंचे। वहीं गीता मंदिर के सदस्य विनय शर्मा ने बताया कि इस बार साबुत अनाज से मंदिर को सजाया गया है। वहीं बालाजी मंदिर के संस्थापक गणेश अलाहाबादी ने बताया कि बालाजी मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। कोटद्वार के आम पड़ाव में स्थित मंदिर में 45 मीटर लंबी अमरनाथ गुफा बनाई गई। उत्सव का पर्व मना रहे और विगत वर्षों की भांति जो बच्चे जो भगवान के स्वरूप में आते हैं उनको उपहार देते हैं। और आज श्याम बाबा के दरबार का आयोजन किया गया है और उनके भी गुणगान यहाँ तक चलेगा। रात 12 बजे तक हम श्याम बाबा का गुणगान करेंगे, उसके पश्चात कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात आरती और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। गीता भवन मंदिर में गत 39 वर्षों से लगातार जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही भव्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के श्रद्धा और भक्ति के उससे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। वहीं पौड़ी में भी पुलिस प्रशासन ने कंडौलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद पुलिस परिजनों, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जिन्होंने मुझे इस पौड़ी जिले में पुलिस लाइन में अपने पूरी टीम के साथ कार्यक्रम करने का मौका दिया है और यहाँ के जो लोग हैं और ये इस पौड़ी जिले में मेरे बहुत सारे गाने सुने गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मेरे गाने सुनते हैं। घोटा सेमानी, चुन्नू भाई जी, फूलो फूली आलू ठेकदार उतर मामा, मैं तमाम जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ खूब सुना है, मुझे भी और मेरे गीतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है और ये बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हर साल की भांति पौड़ी में जो है इस साल भी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये इस तरह का बड़े कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में जो है इस समय पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और अन्य सालों में जो है देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं काशीपुर के विभिन्न मंदिरों में जबरदस्त सजावट की गई। इस मौके पर शिव मंदिर में बाबा अमरनाथ की गुफा बनाई गई, जिसमें बर्फ से बनी बाबा अमरनाथ की शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रही। वहीं श्री बालाजी पावन धाम मंदिर में कमेटी ने बालाजी महाराज को भव्य श्रृंगार किया गया। इसके अलावा श्री गंगे बाबा मंदिर, नागनाथ मंदिर, माँ चामुंडा देवी मंदिर समेत अन्य प्राचीन मंदिरों में विभिन्न रंगारंग झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजे छोटे बच्चों के अलावा अन्य कलाकारों ने भी जमकर नृत्य किया। भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, झांकियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, इसमें भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है,
और दूसरा मटकी दही हंडी का कार्यक्रम जिसको कहा जाता है, मटकी तोड़ने का उसका कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत सुंदर को भव्य सजाया गया है। ये श्री बालाजी पवन नाम मंदिर का स्वेच्छा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसमें कि श्री खबर दीप प्रयाग से है जहां असम राइफल में तैनात जवान हजारे चौहान एक अभियान के दौरान शहीद हो गए। शहीद जवान का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश पहुंचा जहां पूर्णानंद घाट पर शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। राज्य की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीद के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। बता दें कि मूल रूप से देवप्रयाग टिहरी के रहने वाले हजारे चौहान असम राइफल में तैनात होकर भारत माता की सेवा कर रहे थे। यह खबर मिलने के बाद उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। देखिए हमारे खदरी निवासी हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, माँ भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया जहाँ इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। देहरादून में बॉलीवुड फिल्म हिसाब के मुख्य कलाकार शेफाली शाह और जयदीप अहलावत की शूटिंग कर रहे निर्माता निर्देशक विपुल अमृत लाल शाह ने मंगलवार को अपनी पत्नी और अभिनेत्री शेफाली शाह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट मुलाकात की। विपुल अमृत लाल शाह फिल्म निर्माता और प्रसिद्ध निर्देशक भी हैं जिनकी मुख्य फिल्मों में आंखें सिंह इज द किंग, नमस्ते लंदन, नमस्ते इंग्लैंड, द कैरल स्टोरी, बस्तर आदि शामिल है। विपुल शाह ने उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति 2024 को अत्यंत फिल्म फ्रेंडली बताया है। उन्होंने इस फिल्म नीति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। तो इवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।